हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और उसके बारे में प्रोविजन जाने की। हम बात कर रहे हैं सेक्सुअली हरासमेंट। ये सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है? ये इतनी बड़ी चीज होती है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी महिला को सेक्सुअली हरास किया है, यानी कि उसका लैंगिक उत्पीड़न किया है और वो व्यक्ति किसी बड़े पद पर है, तो उसको हटाना कितना मुश्किल होता है। ये बात आप सभी लोग आज की जो करंट सिचुएशन है उसको देखकर समझ ही गए होंगे। और वो लड़की जिसके साथ गलत हुआ है, अगर वो कोई आम लड़की है तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा ही बड़ी बात है, लेकिन यदि वो कोई खास लड़की है, कोई स्पेशल लड़की है जिसने कुछ किया है, जिसे देश जानता है और उसके साथ गलत हुआ है, तो उसके लिए भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति को सजा दिलवाना जिसने उसको सेक्सुअली हरास किया है और वो किसी बड़े पद पर है। हम एक करंट एग्जाम्पल से ही ले सकते हैं। अभी आप सभी लोगों ने देखा ही होगा दिल्ली में किस तरीके से रेसलर वहां पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लड़कियों के हक के लिए लड़ रहे हैं जिनके साथ रेसलिंग में गलत हुआ है, उनको सेक्सुअली हरास किया गया है, जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण के द्वारा। और उस व्यक्ति को हटाना कितना मुश्किल है, ये आज की सिचुएशन में देखा जा रहा है। एक तो वो व्यक्ति अध्यक्ष है, दूसरा सांसद भी है बीजेपी का, तो वो कोई छोटा मोटा पर्सन तो है नहीं, किसी बड़े पद पर विराजमान। अब उसके अगेंस्ट में सबूत लाना और उसको गिरफ्तार करवाना, उस पर ट्रायल चलवाना, कितनी बड़ी बात है। और कितने महीनों से ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आप समझ सकते हैं कि जब किसी महिला को सेक्सुअली हरास किया जाता है तो वो इतने तरीके से, शारीरिक रूप से तो प्रताड़ित होती ही है, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होती है। अब हम जान लेते हैं कि इसके बारे में क्या प्रोविजन है, ये सेक्सुअली हरासमेंट होता कैसा है। ये रेप नहीं होता, बट रेप की तरह ही होता है। अगर रेप इसका बड़ा रूप है, अगर वहां तक बात पहुंच जाएगी तो वो तो अलग ही बात हो जाएगी। यहां पर व्यक्ति इतना चालाक होता है कि सामने वाली लड़की को, महिला को, स्त्री को चाहता भी है कि वो उसके साथ, वो जो चाहती है उसका प्रमोशन कर देगा, उसे आगे बढ़ा देगा, लेकिन चाहता है कि वो उसका सेक्सुअली हरासमेंट करेगा, उसके बाद ऐसा करेगा। और ये हर जगह हो रहा है महिलाओं के साथ, उनको ही सतर्क और जागरूक होने की जरूरत है। हर फील्ड में कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो उनको कहीं ना कहीं सेक्सुअल हरास करेंगे ही करेंगे, किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो जहाँ पर जॉब कर रही है या बाहर ट्रेवल कर रही है या पढ़ने जा रही है या कहीं पर काम कर रही है, हर जगह ऐसे लोग मौजूद हैं जो महिलाओं का सेक्सुअल हरासमेंट करने के लिए ही बैठे हुए। अगर महिलाएं सतर्क ना हो, हिम्मत बाली ना हो, तो वो अपने खिलाफ होने वाले, वो अपने अगेंस्ट में होने वाले अपराध के खिलाफ आवाज ही ना उठा पाए, और आवाज उठाती हैं तो आवाज दबा दी जाती है, अगर कोई आम लड़की है तो। आज जो हमारे देश में हो रहा है, हम उससे क्या मैसेज लें, बताइए आप। पूरे देश में क्या मैसेज जा रहा है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है, और एक लड़की नहीं, कई लड़कियों के साथ गलत हुआ है। बोलते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। अगर एक लड़की के साथ भी गलत हुआ है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है और उस पर्सन के अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। और यहाँ तो बहुत सारी लड़कियों के खिलाफ गलत हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। जो सरकार है उसमें बहुत सारे लोग हैं, मीडिया है, मीडिया, सारी मीडिया इन चैनल्स, मतलब इन प्रदर्शन को नहीं दिखा रही है, कुछ ही लोग हैं जहां पर ये न्यूज चैनल पर ये न्यूज चल रही है। तो आप समझ ही सकते हैं कितना गलत हो रहा है। हम समझ रहे हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। ये वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें समाहित है जो एक व्यक्ति एक महिला के साथ कर सकता है। सेक्सुअल हरासमेंट, इसको बोलते हैं लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न यानी कि किसी व्यक्ति को सेक्सुअली हरास करना, उसका उत्पीड़न करना, उसे पीड़ित कर देना, उसको सेक्सुअली हरास करके। सो हम इसको डिटेल से समझेंगे। अब सेक्सुअली हरासमेंट होता क्या है, इसमें सबसे पहले ये डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 354A में, ये डिफाइन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कोई भी ऐसा कार्य, अब जिसमें क्या होता है, शारीरिक संपर्क, कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ शारीरिक संपर्क बनाना चाहता है, यानी कि फिजिकली कॉन्टेक्ट करना चाहता है उसके साथ, और अंग क्रियाएं करना चाहता है, यानी कि कोई भी ऐसी क्रियाएं जो अंगों के द्वारा होती हैं। आप समझ ही सकते हैं, जब फिजिकल कॉन्टेक्ट करेंगे किसी के साथ हम, तो फिर अंग क्रियाएं होंगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट करना चाहता है, अंग क्रियाएं करना चाहता है, और जिसमें
अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी प्रस्ताव अंतर्विलित है, यानी कि वो स्पष्ट तरीके से उसे ये ऑफर देता है कि वो उसके साथ लैंगिक संबंध बनाए, यानी कि उसके साथ सेक्सुअली कॉन्टेक्ट करे, फिजिकली कॉन्टेक्ट करे, जो कि अवांछनीय है, यानी कि वांछित नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है, इस तरीके का कार्य। ये तो एक चीज हो गई इसमें कि कोई व्यक्ति किसी महिला को चाहता है कि वो उसके फिजिकली कॉन्टेक्ट में आए, वो उसे फिजिकली कॉन्टैक्ट करे, उसके साथ अंग क्रियाएं करे, और उसे ये प्रस्ताव देता है, डायरेक्टली ये प्रस्ताव देता है कि वो उसके साथ लैंगिक संबंध बनाए। दूसरा, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना। अब इसमें क्या होगा, वो उससे सेक्सुअली फेवर चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा तो तुम्हें मेरे लिए ये करना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं जो मूवीज वगैरह होती हैं जिनमें जो एक्ट्रेस काम करती हैं, उन्हें बहुत बार डायरेक्टर के साथ सेक्सुअली हिरास होना पड़ता है। डायरेक्टर्स उन्हें बोलते हैं कि हम तुम्हें मूवी देंगे, मूवी में तुम्हें लीड रोल देंगे, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, हमारे साथ रुकना पड़ेगा, हमारे साथ नाइट स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें इसी में आ जाएंगी कि ये सेक्सुअली फेवर चाहते हैं, वो आपसे डिमांड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सेक्सुअली फेवर के लिए, ठीक है, कि आप अपनी स्वीकृति दे दें, वो जो कह रहे हैं उनको मान लें और उनका अनुरोध मान लें और उनके लिए लैंगिक स्वीकृति दे दें। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर, किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात् अश्लील साहित्य दिखाना, यानी कि जबरदस्ती किसी महिला की विल के अंगेंस्ट में, किसी विमेन की विल के अंगेंस्ट में, यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध स्विंग पोर्नोग्राफी, उसे अश्लील साहित्य दिखा रहे हो आप। तो आप जबरदस्ती किसी को अश्लील साहित्य दिखा रहे हो तो वो भी सेक्सुअली हिरासमेंट के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद इसमें चौथा पॉइंट है कि आप लैंगिक आभासी टिप्पणियां कर रहे हो, यानी कि आप उसे सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स कर रहे हो। अब लैंगिक आभासीय टिप्पणियों में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो आपके कोई व्यक्ति आपके कपड़ों को लेके कमेंट कर रहा है, आपके बॉडी को लेके कमेंट कर रहा है, आप पे और लैंगिक फबतियां कस रहा है, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर टिप्पणी करने के आशय के अंतर्गत आ जाती हैं। आपको लज्जा फील हो, आपको इंसल्ट फील हो, आपको क्षोभ कारित हो इस तरीके के कार्य से। कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा आपके साथ करता है, किसी भी महिला के साथ करता है, तो वो उसका लैंगिक उत्पीड़न कर रहा है ऐसा कहा जाता है, वो उसको सेक्सुअली हिरासमेंट कर रहा है ऐसा कहा जाता है IPC के सेक्शन 354A के अकॉर्डिंग। और यदि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से किसी भी महिला के साथ करता है तो उस महिला को उसकी अंगेंस्ट में आवाज उठानी ही चाहिए और वो उसको IPC के सेक्शन 354A के अकॉर्डिंग पनिश करा सकती है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति स्टार्टिंग के जो तीन पॉइंट मैंने आपको बताए थे, जिसमें वो महिला को डायरेक्टली ऑफर कर रहा है कि वो मेरे साथ लैंगिक कॉन्टेक्ट बनाए, फिजिकली कॉन्टेक्ट बनाए, दूसरे में वो उससे सेक्सुअल फीवर मांग रहा है, और तीसरे में वो उसको अश्लील साहित्य दिखा रहा है, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का कार्य करता है किसी भी महिला के साथ, तो उसको कठोर कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाए। और कोई व्यक्ति सिर्फ लैंगिक टिप्पणियां कर रहा है किसी महिला के ऊपर, उसने कुछ किया नहीं है, कोई टच वच कुछ नहीं किया है, और सिर्फ लैंगिक टिप्पणियां कर रहा है कि आपकी बॉडी इतनी सेक्सी है या हॉट है, और इस तरीके के वर्ड यूज कर रहा है, या फिर आपके कपड़ों पर कमेंट कर रहा है कि कपड़े ऐसे लग रहे हैं, वैसे लग रहे हैं, और कुछ भी लैंगिक टिप्पणियां कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको IPC के सेक्शन 354A के अकॉर्डिंग दोनों में से, यानी सादा और कठोर, किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें 1 वर्ष तक की अवधि के लिए उसको पनिश किया जा रहा है, बाकी के ऑफेंस में उसको 3 वर्ष तक के लिए पनिश किया जा रहा है। और कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ करता है तो उसको इस तरीके की सजा दी जा सकती है और दिलवाई जा सकती है। आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है हर तरीके से। और अभी कुछ दिन पहले एक केस और आया था, चैम्बर केस, इसमें एक वकील ने ही अपनी इंटर्न का सेक्सुअली हिरास किया था उसे, तो उसको भी पनिश कराना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक तो आप वकील हो, ऊपर से आप इस तरीके के कार्य कर रहे हो, और आप कोर्ट में जा रहे हो लोगों को न्याय दिलाने के लिए, तो उस लड़की को भी बहुत समय लग गया था, लेकिन उसने उसे पनिश करवाया। और यहाँ भी इन पहलवानों को, इन रेसलर्स को टाइम लग रहा है, लेकिन अब जब इनके पास सबूत होगा, वो सबूत होगा, तो जरूर ब्रजभूषण के ऊपर कार्रवाई की जाएगी,
और उसको सजा दी जाएगी, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है उसको उसके पद से हटाना। अभी तक पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है उसके खिलाफ, गवर्नमेंट ने भी नहीं सुनी है अभी तक उनकी बात। तो ये सेक्सुअली हरासमेंट करना कितना डेंजरस कार्य है किसी महिला के लिए, उसके ऊपर क्या गुजरती है, उसको मेंटली हरास किया जाता है, उसको फिजिकली हरास किया जाता है, वो तब भी उनके अगेंस्ट में आवाज उठा, ये बहुत बड़ी बात है। और हर महिला को जागरूक, सतर्क और हिम्मत रखनी ही चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति उनके साथ ऐसा करता है तो उसको जरूर पनिश करवाएं, और सतर्क रहें, अवेयर रहें, और फिजिकली स्ट्रांग रहें कोई भी आपके साथ किसी भी तरीके से गलत करना पाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी।